मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आगा रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा अलमा साहिबा, आपका सवाल था कैन वी ऑर्डर अ बनलेस बर्गर एट मैकडोनल्ड्स, इज दिस इज कीटो फ्रेंडली। देखें जी, मैंने बेसिकली 2006 में ऑलमोस्ट फ्यू मंथ्स जो है मैकडोनल्ड की डाइट पे ही कीटोजेनिक डाइट की थी और आई एबल टू यू नो लूज लाइक 25 और 30 पाउंड्स इजली विद इन 2 और 3 मंथ्स। तो दैट्स फॉर श्योर ये पॉसिबल है। आप मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग वगैरह के अंदर भी वो पॉसिबल ऑप्शंस ऑर्डर कर सकते हैं जो कीटोजेनिक डाइट के रूल्स एंड प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये रेकमेंडेड नहीं है कई वजूहात से। लेकिन ये एक ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई और चीज ना हो तो डेफिनेटली यू शुड मेक अ बेटर चॉइस। हमारी जिंदगी जो है वो परफेक्ट नहीं है, हमको हमेशा एक बेहतर ऑप्शन चुनना होता है, एक कम बुरा ऑप्शन चुनना होता है ताकि हम सरवाइव कर सकें उस अच्छे दिन के लिए जिस अच्छे दिन में हम चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। तो अब देखें, जो कुछ चंद मेरी ख्यालात हैं, जरूरी नहीं है आप लोगों को मेरे ख्यालात से मुत्तफिक हों, लेकिन ये मेरे ख्यालात हैं। और वो ख्याल ये है कि सबसे पहले कोशिश करें कि आप अवॉइड करें तमाम बाहर के खाने, पैकेज फूड, और अपना खाना खुद बनाएं, दैट इज सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर वो नहीं होता है, कभी कभार आप स्लिप करते हैं, तो उस सूरत में आप बेहतर से बेहतर ऑप्शन चुनें, क्लीन कार्ब चुनें, इवन आप फ्रूट्स खा सकते हैं। जैसे अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ये बहुत मुनासिब बात है कि अगर आप यू नो किसी ठेले वगैरह से लो कार्ब फूड या चेरीज या बेरीज ये खा लेते हैं दही के साथ डाल के, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा बनिस्बत इसके लॉन्ग टर्म में, ज़्यादा फायदेमंद होगा बनिस्बत इसके लॉन्ग टर्म में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि खाली आपने अपना वेट कम नहीं करना है, आपने अपने लिवर को भी हील करना है, आपने अपने हार्ट को भी हील करना है, किडनीज को, और जो तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, वेट तो कीमोथेरेपी से भी कम हो जाता है, जो शख्स कीमोथेरेपी करवाते हैं उनका वेट बहुत कम हो जाता है, लेकिन वो जहर है। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर फिर भी हमें खाना पड़ता है इतनी तमाम बुराइयाँ सुनने के बाद, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उनकी जो प्योर बीफ पैटीज होती है वो ले लें, उसके साथ सैलड ले लें और वो आप खा लें, और अगर हो सके तो रास्ते से कहीं बटर वगैरह ले लें और उन बटर को उसके ऊपर डालकर कोशिश करें कि अपने मैक्रोस को पूरे करें। तो चाहे सबवे हो, चाहे मैकडोनल्ड्स हो, चाहे कोई भी फूड चेन हो, आपने कोशिश करनी है कि जो उनकी पेटीज है, मीट पेटीज है, वो लेनी है। उसके साथ आपने बर्गर्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं, आप उसकी जगह पे जो है वो सैलड्स ले सकते हैं, और इवन टोमेटोज वगैरह भी लो कार्ब वगैरह में बहुत ईजली और अच्छे से फिट होते हैं। तो लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जितने मीट होते हैं ये बेसिकली आर्टिफिशियल काइंड ऑफ मीट होते हैं, उसके अंदर बहुत कुछ अजीब सी चीज़ें शामिल होती हैं जिसमें ना सिर्फ MSGs हैं, इसके अलावा भी कई केमिकल्स हैं जो कि आपके अंदर हार्मोन डिसऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, हैवॉक प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर कोई शख्स मुसलसल मैकडोनल्ड की चीज़ें खा रहा है तो वो नुकसान करेगा। अच्छा, इसमें एक और बात यह है कि मैकडोनल्ड और ये जितने फ्रेंचाइज स्टोर होते हैं इनके अंदर जो गोश्त पकाया जाता है, पेटीज पकाई जाती है, ये ट्रांस फैट में बनती है, और ट्रांस फैट जो है वो हाइड्रोजिनेटेड फैट होता है, और हाइड्रोजिनेटेड फैट वो होता है कि जब हम स्पेसिफिक पॉली अनसेचुरेटेड फैट से हाइड्रोजन पास करते हैं ताकि उसको हम उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें, उसकी प्रिजर्वेशन अमाउंट को बढ़ा सकें, तो उसकी उस अमल को हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, या यू नो जो दूसरे नाम है वो कहते हैं। तो जो सबसे बड़ी बुराई है कीटोजेनिक डाइट को मैकडोनल्ड के फूड पे करने की, रेगुलरली रोजाना खाने की, वो ये है कि उनका जो गोश्त है, नंबर वन वो 50% से ज़्यादा कुछ और केमिकल्स हैं उसके अंदर, नंबर टू उसके अंदर जो फैट इस्तेमाल किया गया है वो पॉली अनसेचुरेटेड वेजिटेबल सोर्स फैट है या ग्रेन बेस्ड फैट है, कनोला ऑयल या जो इस तरह की डिफरेंट खराब फैट है, रेपसीड ऑयल, और उस फैट वो खराब वाला फैट भी जो है प्योरली हाइड्रोजनेटेड फैट है ताकि उस बर्गर के टेस्ट को इन्हांस किया जा सके, उसकी शेल्फ लाइफ को इन्हांस किया जा सके। तो मेरी नज़र में डेफिनेटली इट्स अ बिग नो नो,
लेकिन सर्वाइवल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कहीं बिरयानी खाने से, पिज्जा खाने से लाख गुना बेहतर है कि यू मेक अ बेटर डिसीजन. और स्पेशली अगर आप तमाम लोग आगे जिंदगी में सोशलाइज होंगे तो हमें अपने दोस्तों के साथ, हल्का अहबाब के साथ मुख्तलिफ होटल्स और इस तरह की जगहों पर जाना पड़ता है. तो डेफिनेटली हम बिल्कुल कट डाउन नहीं हो सकते, सोशली आमिर खान नहीं बन सकते कि अपना खाना भी साथ लेके चले. वो डिसिप्लिन और वो डेडिकेशन हम अभी हम फिलहाल नहीं कर सकते. तो डेफिनेटली वंस इन अ ब्लू मून, हफ्ते में एक आध दफा आप अगर कोई इस तरह की चीज ऑर्डर कर लें तो फाइन है, लेकिन मेक श्योर के जो मैकडोनल्ड्स की कैलोरी काउंटर है, मैक्रो काउंटर है, वो चीज खाएं जो कि आपके मैक्रोज में आती हो, नंबर वन बात. और नंबर टू बात कि जब आप ये चीज खाएं तो कोशिश करें कि इसके साथ आप फिश ऑयल जरूर खाएं, क्योंकि ये जो इसका फैट है वो हाई इन्फ्लेमेबल है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा, वाटर रिटेंशन प्रोड्यूस करेगा. तो वो फुल ऑफ ओमेगा 6 है, तो उसके लिए ओमेगा 3 साथ होना चाहिए. तो मेक श्योर कि यू टेक योर डेली ओमेगा 3 इनटेक कैप्सूल, जो कि अगर एक बंदा सैचुरेटेड फैट खा रहा है तो जरूरत नहीं है, घर का खाना खा रहा है तो जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका वो जो ट्रांस फैट है और वो जो हाइड्रोजनेटेड फैट है वो नहीं है जिसके अंदर ओमेगा 6 ज्यादा है. तो लेकिन आपके लिए जरूरी होगा कि आप मैकडोनल्ड के बर्गर पेटीज के साथ जो है ओमेगा 3 या फिश ऑयल के कैप्सूल जरूर खाएं, नंबर वन बात. और नंबर टू बात कि आप मेक श्योर ये करें कि आप जो वहां की सॉसेज हैं, जो हिडन कार्ब्स हैं, उसको अवॉइड करें, ठीक है. उनकी जो क्रीम चीज वगैरह है या इस तरह की चीजें वो अवॉइड करें और कोशिश करें कि उसको फ्रीक्वेंटली ना खाएं. तो ये मेरे दो सेंट थे जो कि आपकी खिदमत में पेश किए, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से हम तमाम लोग अपने गोल्स पे अचीव कर जाएंगे, मोर इनलाइटेंड वन, मोर कॉन्शियसनेस वन. और जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट मैंने चीज़ अपनी ज़िंदगी में सीखी है, कोई काम भी आप करें या ना करें, हमें कॉन्शियसनेस होने की ज़रूरत है, हमें हमारे शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. ये जो मैं मैकडोनल्ड की पेटी खा रहा हूँ या जो मैं नॉर्मल पेटी खा रहा हूँ, वो मेरे मुँह में टेस्ट कैसा कर रहा है, मेरी बॉडी फील कैसी कर रही है, क्या ये रियली वर्थ इट था या ये थोड़ी देर का एक लस्ट थी. तो जितना ज्यादा आप जब इस चीज को खाएंगे, उस पर गौर करेंगे, जब उस पर आप सोचेंगे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा ये वर्थ इट नहीं है. वर्थ इट ये है कि हम कुदरत का बना हुआ सादा खाना, चाहे वो एक सब्जी हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो फ्रूट हो जो कि नेचुरल फॉर्म में हो, जिसमें कीड़ा भी लगता हो, उसको हम खाएं. आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे कभी मैकडोनल्ड के बर्गर को लेके आइएगा और किसी थैली के अंदर बंद करके बाहर रख दीजिएगा, देखिएगा कि कई हफ्तों जो है वो खराब नहीं होगा, उसमें कीड़ा भी नहीं लगेगा. यानी कि एक ऐसी चीज जिसको कोई कीड़ा ना खाए उसको हम खा रहे हैं. तो प्लीज खुदारा इस बात का ख्याल कीजिएगा कि सिर्फ मसला हमारे वेट कम करने का नहीं है, मसला हमारे अपनी तमाम सेहत, हार्मोन्स और दिमागी सेहत को भी ठीक रखने का है, ठीक है. तो हमसे ज़्यादा हम अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहते हैं, हम समझदार कहते हैं अपने आप को, लेकिन हमसे ज़्यादा समझदार जो हैं वो चूटियाँ हैं. अगर आप चूटी को स्वीटनर दें खाने के लिए, वो उसको नहीं खाएगी, वो उस पर छुएगी नहीं, सालों साल वो स्वीटनर ऐसी पड़ा रहेगा. डाइट कोक का या कोक का आप लोगों ने देखा होगा कि उसको स्प्रे कर रहे हैं एज अ पेस्टिसाइड्स या एज अ क्लीनर और इस तरह की चीजें, लेकिन इंसान जो है वो इस्तेमाल कर रहा है. तो पता नहीं हम अशरफुल मखलूकात हैं या डम मखलूकात हैं, ये तो अब हम आने वाली नस्लें और वक्त तय करेगा. लेकिन ये जरूर है कि अगर अल्लाह ताला हिदायत जिसको देना चाहे तो इंशाल्लाह ताला उसको हिदायत मिल जाती है, और हमने कोशिश ये करनी है कि ऐसी चीजें नहीं खानी है जिसको कीड़े मकोड़े भी नहीं खा रहे. तो चले, थैंक यू वेरी मच.